हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री की रसोई में। आज मैं बनाऊंगी लौकी और पनीर के कोफ्ते। चलिए हम ग्रेवी बना लेते हैं। पहले मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा, दो मोटे प्याज, पांच टमाटर, सात आठ हरी मिर्च, सात आठ हरी मिर्च, चार पांच लाल साबुत मिर्च, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और ये काजू। एक चम्मच नमक, इन्हें थोड़ी देर पकने देना है। मैंने कद्दूकस लौकी को कर लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए पानी में उबालूंगी नमक डाल के। हमारी लौकी उबल गई है और मैंने इसका पानी निकाल दिया। ठंडा पानी मिला दिया जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाए। देखिए मेरी लौकी ठंडी हो गई है और मैंने इसको अच्छे से पानी निचोड़ दिया है। बिल्कुल एकदम हमें सूखी हुई चाहिए, बिल्कुल पानी निचड़ी हुई। मैंने इसमें पनीर ऐड किया। मैंने ये भुना हुआ बेसन डाला है इसमें। कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च। अब इसको हम ऐसे मिलाएंगे। मैंने कोफ्ते उतारने के लिए तेल रख दिया है। तब तक मेरा तेल गर्म होएगा, तब तक मैं मसाला पीस लेती हूँ। मेरा मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूंगी। मैंने सारी बाउल बना ली है, अब मैं इनको फ्राई करूंगी। ये हमें लो गैस पे ही फ्राई करनी है ताकि अंदर तक भी अच्छे पक जाए। मैंने एक चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। और मैंने एक चम्मच जीरा धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी,
आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला। इसमें मैंने एक चम्मच तेल, मैं तेल में बनाऊंगी। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा हींग और जो कटी हुई हरी मिर्च थी थोड़ी। और अब मैंने ये सारे मसाले छोड़ दिए, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा इसमें मैंने बटर डाला, थोड़ी सी कस्तूरी लाल मिर्च कलर के लिए, मैं पेस्ट छान के डाल रही हूँ। बिगर छना भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें बड़ी इलायची डाली है वो अच्छे से हो जाएगी, उसके रेसे नहीं आएंगे। और अब मैंने इसमें थोड़ी काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, आप पहले भी डाल सकते हो बाद में भी डाल सकते हो। मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है, इसमें एक उबाल आने तक मैं इंतजार करूंगी, फिर सारी जो भी कोफ्ते हैं इसके अंदर डाल दूंगी। मेरी ग्रेवी में उबाल आ गया था और मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। देखिए